गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल और इजी फेस पैक जो आप घर पर बना सकते हैं एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बट ये स्किन को ब्राइटन करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा डल है या फिर पॉल्यूशन की वजह से स्किन में कोई ग्लो नहीं है या फिर बहुत ही ज्यादा ड्राई है फॉर दैट मैटर, तो आप इस फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मेन वुमेन इनफैक्ट टीनेजर्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सारे ही घर के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब घर में जो नेचुरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इजीली ये घर के किचन में मिल जाएगी। तो आप सबको शायद नहीं पता होगा कि हमारे किचन में ही इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको पहली बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपको रिजल्ट नजर आएगा। ये मेन वुमेन टीनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 आमंड्स और 1 काजू। आमंड्स में विटामिन ई है जो एजिंग प्रोसेस को डीले करता है, स्किन को टाइटन करता है, और काजू में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, सेलेनियम है, अदर प्रोटीन्स भी है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आमंड और काजू को मैंने पीस लिया है और उसमें थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी और थोड़ा सा बेसन मैंने ऐड किया है। इस मिक्सचर को आपको मिक्स करना है रोज़ वाटर या फिर दही के साथ। ऑयली स्किन होने पर आप दही इस्तेमाल न करके आप रोज़ वाटर इस्तेमाल करें। रोज़ वाटर स्किन को ब्राइटन करता है और सॉफ्ट बनाता है, लेकिन दही स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है। जो भी सारे हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है वही हम लोगों ने इस्तेमाल किया है इसमें, तो ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव फेस पैक है जो स्किन को अंदर से ब्राइटन करता है, क्लियर करता है, और डेली बेसिस पर अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो आपका स्किन टोन जो है वो लाइटन होता है और स्किन कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन होता है। आप डेली लगा सकते हैं इसे, बस 10 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाकर छोड़ दीजिए। ये 10 मिनट सूख जाता है, इनफैक्ट ज्यादा इसे ड्राई मत कीजिए, सेमी ड्राई कीजिए, मतलब आधा जब ये सूख जाए तब आप इसे वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से, और फिर अपने फेस पर किसी भी मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना ना भूलिएगा। अगर आप सीरम से इस्तेमाल करते हैं तो आप सीरम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, विंटर सीजन है, तो अभी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई फील हो रही है, तो डिहाइड्रेटेड भी फील हो सकती है, तो इसी वजह से इस टाइम आप अपने फेस पर जरूर मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे आफ्टर यूजिंग द फेस पैक। आप अपने फेस को क्लीन करने के बाद ही इस फेस पैक को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रात में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेस को फेस वॉश से वॉश कीजिए, उसके बाद ड्राई करने के बाद इस फेस पैक को अप्लाई कीजिए, 10 मिनट वेट कीजिए एंड देन वॉश ऑफ, फिर आप अपने फेस पर सीरम्स, नाइट क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दिन में नहाने जाने से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं देन आप जस्ट फेस को अच्छे से वॉश कीजिए। फेस वॉश जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बाहर जा रहे हैं देन आपको फेस वॉश करना है, अगर घर में ही है तो फेस वॉश की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद इस फेस पैक को अप्लाई कीजिए, 10 मिनट्स के बाद आप शावर ले लीजिए एंड दैट्स इट। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है इसके एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके फेस पर ड्राइनेस है बहुत ज्यादा तो आप इसमें ना ज्यादा मात्रा में दही को ऐड करना, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप थोड़ा ही दही लीजिए, और अगर आप दही से आप कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है आपकी, तो आप दही को स्किप करके इंस्टेड ऑफ दैट आप रोज वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोज वाटर आपके फेस को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाता है येट ऑयली फिनिश भी नहीं देता। So guys, that's it for today's video. I hope this video was helpful for you all. Video पसंद आए तो video को like कीजिए, share कीजिए and मेरे channel को subscribe करना ना भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. Stay blessed, stay happy. Bye.